नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने अवैध गांजा के साथ खरीद फरोख्त करने के आरोप में एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान बादामी देवी पत्नी गुल्लू निषाद निवासी ग्राम मंझरिया विष्टौल थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 23 किलो 550 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। रामगढ़ ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया कि मेरे पति गुल्लू निषाद तथा मेरा लड़का बलिराम निषाद गांजा बिहार में कहीं से खरीदते हैं। हम लोग बिहार से खरीदे गए गांजे को दीपा निषाद पत्नी गब्बर निषाद दूसरा उत्तेज कुमार उर्फ रितेश कुमार पुत्र योगेंद्र प्रसाद तथा तीसरा धर्मशीला देवी उर्फ डॉक्टराइन निवासीगढ़ अमरूद मंडी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को बेचते हैं। बेचने से मिलने वाले पैसे से हम अपना तथा अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। हमारे द्वारा बेचे गए गांजे को दीपा निषाद दूसरा उत्तेज कुमार तीसरा धर्मशीला देवी उपरोक्त द्वारा गोपनीय ढंग से बाजार में बेचा जाता है। अभियुक्ता का पुत्र बलराम निषाद उर्फ मिस्टर पूर्व में भी गांजा की बिक्री करवाने में दो बार जेल जा चुका है। रामगढ़ ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक अभय नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल ज्ञानधारी पाल, कांस्टेबल विनीत सिंह, सचिन यादव, प्रवीण कुमार, महिला कांस्टेबल सुनीता तिवारी, प्रियंका भारती शामिल रहीं।